काव्य खंड पार्ट थर्ड रसखान का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या जो कि उनका सवैये से लिया गया है। जैसे कि पहला यहाँ पे सवैया है इस प्रकार से, मन मानुष होय तो वही रसखानी बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चतो निंत नंद को की धेनु मन झारन। सेकंड यहाँ पे दे रखा है पाहन हो तो वह गिरी वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग को खग हो तो बसेरो करो मिल कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये प्रश्न आपका पूछा गया था 2009 और 2011 और 18 में। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द भी दे रखे होते हैं जो आपके थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, और उन प्रश्नों को हम यहाँ पे जो कुछ शब्द दे रखे हैं जो थोड़ा सा कठिन होते हैं उनका हम इसमें थोड़ा सा हिंदी में संदर्भ भी उसका अर्थ भी जानेंगे। जैसे कि आपको पता है मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, ग्वारन का अर्थ है ग्वाले, धेनु का अर्थ होता है गाय, मंझारन का अर्थ है मध्य में, पाहन का अर्थ होता है पाषाण या पत्थर कह सकते हैं, पुरंदर का अर्थ यहाँ पे इंद्रा या खग, पुरंदर का अर्थ इंद्र और खग की बात करते हैं तो पक्षी, बसेरो करो इसका अर्थ होता है निवास करूं, कलिंदी कुल का अर्थ होता है यमुना का किनारा, डारन का शब्द है डाल पर और या शाखा पर। अब हम लोग संदर्भ देखेंगे, संदर्भ आपको किस प्रकार से लिखना होता है। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से में संकलित है, सवैये शीर्षक से अवतरित है। ध्यान में रखेंगे जो प्रस्तुत पद्य है रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रसंग है संदर्भ है इस सभी के लिए यही सेम रहेगा, तो इस बार एक बार नोट कर लीजिएगा, आगे में भी इसको ही लगा दीजिएगा, आगे भी इसके में आगे जितने भी आपके प्रसंग आएंगे जितने भी पद्य आएंगे सभी पद्य के लिए संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग अब आपके अलग अलग हो सकते हैं, तो प्रसंग में देखते हैं क्या कहते हैं कभी। इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना कही है। व्याख्या इस प्रकार से, रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज की भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिससे मेरा कोई वंश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। काव्यगत सौंदर्य की बात किया जाए तो यहाँ पे रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। शैली यहाँ पे मुक्तक है। रस की बात करते हैं तो शांत एवं भक्ति है। छंद यहाँ पे सवैया है। अलंकार की बात करते हैं तो कलिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। गुड़ यहाँ पे प्रसाद है। सेकंड आपका स्टार्ट होता है आज गई पुति भोर ही हो, और यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट का पॉइंट देख लीजिएगा आपका पुचकारत छो नहीं, यहाँ तक आपका ये पद्य है। इसका हम लोग पहले तो कुछ यहाँ पे जो कठिन वर्ड आए होंगे शब्द आए होंगे उसका हम अर्थ देखेंगे, फिर इसका संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे पहला शब्द दे रखा है होती का अर्थ होता थी, भोर का अर्थ आपको पता है प्रातःकाल, हों का अर्थ होता है मैं,
रई वही का मतलब होता है प्रेम में डूब गई, भव नहीं मतलब का होता है भवन में, वाको का अर्थ होता है उसका यानी यशोदा का, युग का अर्थ होता है युग, दृढ़ ना ही मतलब होता है काला टीका, हमेलिन का अर्थ होता है हमेल यानी सोने का एक आभूषण, को निहारत मतलब होता है निहारत का मतलब होता है देख रही थी, भारत का होता है न्यौछावर करते हुए, पुचकारत का होता है पुचकार कर रही थी, छौ नहीं मतलब होता है पुत्र को, ठीक है, छौ नहीं का मतलब होता है यहाँ पे पुत्र। प्रसंग इस प्रकार से है कि इस पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल भाव का चित्रण किया है। व्याख्या में लिखेंगे, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगा करके आँखों में काजल लगा रही थी, उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें समाकर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका यानी इसको हम ढिढौना कहते हैं लगा दिया। वे उनके गले में सोने का हार डाल करके एकाग्रता से उनके रूप को निहार करके अपने जीवन को न्योछावर कर रही थी और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। अब हम देखेंगे काव्य सौंदर्य की बात। यहाँ पे प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रज भाषा है, शैली यहाँ पे चित्रात्मक और मुक्तक है। रस की बात करते हैं तो वहाँ पे वात्सल रस है, छंद यहाँ पे सवैया है, अलंकार की प्रयोग करता है तो यहाँ पे यमक अलंकार, अनुप्लास अलंकार, पुनरिक्ति प्रकाश अलंकार की बात हुई है। कुड़ यहाँ पे प्रसाद है। प्रश्न नंबर थर्ड है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरत अग्नि पग पैजन बाचत पीर के छोटी, का छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के बाग बड़े सजनी हरिहाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से आपका ये पद्य है, इसका हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ जो यहाँ पे कठिन शब्द आते हैं उनका हम अर्थ देते हैं। तो बनी का मतलब होता है सुशोभित, पैजनी का मतलब होता है पायजेब, पीरी का मतलब होता है पीला, कछोटी का मतलब है कक्षा, सजनी का अर्थ होता है सखी। प्रसंग इस प्रकार से, इस पद में कवि ने बाल कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके एक गोपी अपनी सखी से उसके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या इस प्रकार से, हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके शरीर पर एक सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है, वे खेलते हैं और खाते हुए अपने घर की आंगन में विचरण कर रहे हैं, उनके पैरों में पायल बज रही है, वे पीले रंग की चोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उस सौंदर्य को देख करके कामदेव भी उस पर अपनी कोटि कोटि कलाओं का निछावर करता है। ये सखी, उस कौवे के भाग का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त होता है वह धन्य है। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, शैली यहाँ पे चित्रात्मक और मुक्तक है। रस की बात करते हैं तो वात्सल और भक्ति है। छंद की बात किया तो सवैया है। अलंकार की बात करते हैं, यहाँ पे पद्य में सर्वत्र अनुप्रास अलंकार, वरत काम कला निज कोटि में प्रतीप है होती है, ये अनुप्रास अलंकार इस शब्द में आता है। गुड़ की बात करते हैं तो माधुर गुड़ है। भाव साम्य की बात करते हैं तो गोस्वामी जी ने भी श्री कृष्ण की धूली से भरी बाल छवि का ऐसा ही चित्र खींचा है, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। एक शब्द किसके थे, गोस्वामी दास जी का।
चौथा हम लोग देखते हैं कि जात दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गई, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। बाद दिन सो कछु टोना सो कै रसिखान ही मैं समाई गई, को नह कहूँ की कानी करे सिंगारो ब्रज की ब्रज वीर बिकायु गयो। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखेंगे। छोहरा, छोहरा का अर्थ होता है पुत्र, धेनु का अर्थ है आपको पता है गाय, बेनु का अर्थ होता है बंसी, टोना का अर्थ होता है जादू, सिगरो का अर्थ होता है संपूर्ण। प्रसंग इस प्रकार से है, इस पद में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। व्याख्या में लिखेंगे, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लड़का बालक इस वन में आकर के गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहनी तान सुना कर और बंसी बजा करके हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसीलिए अब कोई भी गोपी किसी भी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। काव्यगत सौंदर्य की इसमें बात किया जाए तो यहाँ पर गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा यहाँ पर प्रयोग हुआ है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार को ना कहूँ की कानीन करे ब्रज वीर बिकायु गयो, वेणु बजाई गोधन गावत में अनुप्लास अलंकार है। गुणधर्म की बात करते हैं तो माधुर में माधुर्य है। भाव सम की बात करते हैं तो रसखान ने अनत्र भी इसी प्रकार का वर्णन किया है, कोहु न काहू की कानिन कानी करे कछु चेटक सो जो कियो जादू रया। पांचवा आपका है, कान भये बस बासुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्धौस रहे साग संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सहिए, जिन मोहि लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दहिए, मिल आओ सब सखी भागी चले अब तो ब्रज में बासुरु रहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखेंगे। चाहिए का अर्थ होता है चाहेगा, निस्धौस का अर्थ होता है रात दिन, तापन का अर्थ होता है संतापों को, सहिए का अर्थ होता है सहन करेगी, मोहि लियो का अर्थ होता है मोहित कर लिया, दहिए का अर्थ होता है जलाती है। प्रसंग इस प्रकार से है, इस पंक्तियों में श्री कृष्ण के बंसी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति सैतिया डाह का सजीव वर्णन किया गया है। सौतिया डाह का यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया। व्याख्या में लिखेंगे कि एक एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे किंतु अब ये इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है, यह अब गोपी रूपी सौत ईक्षा के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया वह हमें सदी ईर्ष्या से जलाती रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिल करके ब्रज छोड़ करके अन्यत्र चले, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। काव्य के सौंदर्य की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक इच्छा का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा यहाँ पे सुललित ब्रज है, शैली है चित्रोपम मुक्तक, रस यहाँ पे श्रृंगार रस है, छंद की बात करते हैं तो सवैया है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, भाव साम्य की बात करते हैं। महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ऐसी ही इच्छा को व्यक्त किया है, उनकी गोपियाँ तो ईवस मुरली को ही चुरा लेती थी। सखीर मुरली लीजे चोरी जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। ये शब्द थे
रसखान जी, सूरदास जी के। छठा आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है पद्यांश, जो कि पद्य है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन, कोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावतो बोही मेरो रस खानी, सो तेरे काहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधराधन अधरा अधरार अधरान धरी अधरा अधरान न धरीगी। शब्द यहाँ पे कठिन शब्द दे रखे, तो उसका अर्थ इस प्रकार से है। मोर पंख का अर्थ है मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। गरे का अर्थ होता है गले में। पीतंबर का होता है पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र। लकुटी का अर्थ होता है छोटी सी लाठी। स्वांग का अर्थ है श्रृंगार। अभिनय का अर्थ होता है स्वांग अभिनय श्रृंगार अभिनय। और अधरान का मतलब होता है होठों पर। अधरा ना मतलब होता है होठों पर नहीं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मनमोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियाँ कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। व्याख्या इस प्रकार से, एक गोपी अपने दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंख को से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहनूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वन घूमती रहूंगी। ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, परंतु उसके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह ना करके दिन भर बांसुरी को साथ में रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौत मान करके उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुख लगी हुई है। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं, तो प्रस्तुत छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। भाषा है ब्रज शैली, मुक्तक है गुणधर माधुर्य है रस श्रृंगार है। छवै संध यहाँ पे छवैया अलंकार या मुरली मुरलीधर की अधरारन अधरन धरी अधरान धरोगी में अरुप्रास या तथा अमक अलंकार है। अब हम लोग देखें कवित्त से। कवित्त से पहला प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं आगे का एक लाइन पढ़ूंगा और लास्ट का लाइन पढ़ूंगा, अपनी किताब से इसको देख लीजिएगा, कैसे लंबा हो जाएगा आपका वीडियो। गोरज बिजारे डैश 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 आपको देख ध्यान रखना है, अवे रसखान री, ठीक है, पहला पॉइंट और लास्ट का मैंने देखा। इसमें देखते हैं, इसमें आपको देखना है जो कठिन शब्द आए थे इस प्रकार से हैं। गोरज का अर्थ होता है गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल। लह लही का अर्थ होता है शोभायमान हो रही है। बानी का अर्थ होता है बाड़ी। बंक का अर्थ होता है टेढ़ी। तनिटी का अर्थ होता है यमुना नदी। तन मतलब तन तपनी का अर्थ होता है शरीर की गर्मी। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित कवित्त शीर्षक से अवतरित। ध्यान में रखेंगे, इससे पहले हमने सवैया देखा था, अब इसमें हम लोग कवित्त देखेंगे, कवित्त की बात होगी। प्रसंग की बात करते हैं, इन पंक्तियों में साय के समय में वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या इस प्रकार से है, गोपी कहती है, हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने की से उड़ी धूली धूल सुशोभित हो रही है। उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान है। इस सखी कदम्ब वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अटारी पर चढ़ कर के तो देखो, देख लो, रसखान की रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है, प्राणों को अपनी ओर खींच
कर रिझा रहा है। काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो प्रस्तुत छंद में गोचरण से लौटते हुए श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का मनोमोहक चित्रण हुआ है। भाषा यहाँ पे सरल सरस ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, सरस श्रृंगार है। छंद की बात करते हैं तो मन हरण कवित्त है। अलंकार भाल लहलही बनमाल में अनुप्रास अलंकार, मधुर मधुर मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश तथा रसखानरी में श्लेष का मंजुल प्रयोग दृष्टव्य है। गुण की बात करते हैं तो माधुर गुण है। काव्य सौंदर्य व्याकरण की बात करते हैं, कुछ आपके यहाँ पे व्याकरण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है उसके स्थाई भाव का नाम भी लिखना है। पहला यहाँ पे दे रखा है का तेल लगाई लगान लगाह के अंजन भाह बनाई बनाई रिढ़ाओ नहीं। पहला पॉइंट यह था इसका, अगर हम देखते हैं पंक्ति में कौन सा रस है ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे रस वात्सल रस है, जो कि आपको पता है उनकी माता उनको तेल लगा करके उनके काजल लगा करके उनके भौंगों पे टीका करती है, ढिढोना लगाती है। स्थाई भाव की क्या बात करते हैं तो यहाँ पे भाव जो है स्नेह और रति है। सेकंड आप देखें जिन मोहि लीहो मनमोहन रस खानी सदा हम दहिए, मिल आओ सब रस रख सखी भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। यहाँ पे रस की बात करते हैं तो यहाँ पे श्रृंगार रस है, स्थाई भाव जो है वो रति है। प्रश्न नंबर सेकंड है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताए, बताते हुए उनका स्पष्टीकरण भी देना है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ से अलंकार से संबंधित है। पहला आपका दे रखा पॉइंट, पहली पंक्ति दे रखी है वाच छवि को रसिखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि। दूसरा है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरी धारी धरागी। गावला है रस बरसावे तन तापनी बुझावे नैन प्राणन रिझावे अब वह आवे रस खानरी। पहले की बात करते हैं तो पहले में आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे कावड़ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। प्रतीप में बात करते हैं तो वारत काम कला निज कोटि, यहाँ पे कृष्ण के सौंदर्य को देख करके कामदेव स्वयं अपनी करोड़ों कलाएं निछावर कर रहा है, उपमान को उपमेय बना देते हैं के कारण यहाँ पे यहाँ प्रतीप अलंकार है। कौन सा है? प्रतीप है। अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं तो सेकंड में आपका अनुप्रास अलंकार और यमक है, दोनों है। तो मा ध र वर्गों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार एक तथा एक अधरान का अर्थ होता है होठों पर एवं दूसरे अधरान का अर्थ होता है होठों पर नहीं होने के कारण यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। तीसरे वाले में आपका श्लेष अलंकार है, यहाँ पे रसखानी री के दो अर्थ रस की खान यानी अर्थात कृष्ण तथा कवि रसखान अतः इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर थर्ड है सवैये और कवित्त का लक्षण लिखते हुए पाठ के में एक उदाहरण दीजिए, इन दोनों में क्या अंतर होता है कवित्त और सवैये में। तो उत्तर में लिखेंगे सवैया, पहले देखेंगे पॉइंट 22 से 26 तक के वर्ण वृत्त जो होते हैं सवैया कहलाते हैं। उदाहरण के तौर में पाठ से देख लीजिएगा, इसमें शुरुआत के कवित्त की बात करते हैं तो यह दंडक वृत्त है, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, 16-15 वर्णों पर यति होती है, अंत में एक गुरु वर्ण होता है, इसे हम मन हरण कवित्त भी कहते हैं। उदाहरण के लिए पाठ से आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहीं पे लास्ट जो दे रखा था निखित शब्दों में खड़ी बोली रूप लिखिए, इसमें से करोर सिगरी दुति लकुटी काग अंगुरी भाजति संजम, इसके अर्थ लिख लीजिएगा अपनी, इसको बता दिया गया है। और उसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।